ईदगाह डिपो में सुबह 11 बजे चालक परिचालक एकत्रित हुए। उनका आरोप था कि एआरएम ईदगाह द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। लोड फैक्टर कम आने पर चालक परिचालक का वेतन काटा जा रहा है। बसों की आय कम होने के पीछे अधिकारियों की नाकामी है, मगर वह अपनी कमी छिपाने के लिए कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है कि रात में सवारी कब निकल रही है, ऐसे में रात्रि सेवा को बंद कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी जबरन चालक परिचालकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। जब रात में सवारी नहीं मिलती है और कम आय होती है तो कर्मचारियों का वेतन काट दिया जाता है। अधिकारियों द्वारा बसों के संचालन की कोई भी समय सारिणी नहीं बनाई गई है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर वेतन कटौती बंद नहीं हुई तो कर्मचारी आंदोलन को बाध्य होंगे। उनकी मांग है कि जिन कर्मचारियों का वेतन काटा गया है उसे वापस किया जाए। उनका कहना है कि साहब लो फैक्टर बढ़ा दिया गया है, पहले जितना था उससे ज्यादा कर दिया गया और इसको फिर भी कुछ कम कर दिया है जिससे लो फैक्टर निकल नहीं पाता, कटौती हो रही है। क्या समस्या है? ऐसा नहीं है, ये जो लोड फैक्टर है जिसकी समीक्षा हो रही है, मुख्यालय से पूरे प्रदेश स्तर पर एक ही तरह का प्रोग्राम पड़ा हुआ है और ईटीएम मशीन से जो लोड फैक्टर कैलकुलेट होकर के आता है केवल उसकी समीक्षा है। और प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा और मुख्यालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दशा में 50% से कम लोड फैक्टर पर गाड़ियां संचालित न की जाएं, उसके तहत जो कुछ नई बसें हैं और कुछ पुरानी बसें भी हैं तो जो 50% से लोड फैक्टर कम लेके आए, जैसे लगभग 10% करीब 12% गाड़ियां होती हैं ऐसी मात्र जो है केवल, तो उनके खिलाफ जो है टोकन कटौती केवल मात्र हल्की सी, जैसे किसी ने 48,000 का डैमेज किया तो उस पर 1,000 की है नई गाड़ी पे, पुरानी गाड़ियां हैं जैसे उस पर जो है थोड़ा सा रियायत देते हुए टोकन कटौती 500 रुपये है, किसी पे 200 रुपये है, किसी को कठोर चेतावनी है वो दी गई है जिससे कि वो गाड़ियों की संख्या में जो है कमी लाई जा सके, क्योंकि जब तक थोड़ा सा भय नहीं होता है तो कर्मचारी उसका पूरी तरह से अच्छर से अनुपालन निर्देशों का नहीं करता है। जाना अब पुल के नीचे भी जाने लगे हैं, जगह जगह सवारी उठाने लगे हैं, है ना, तो उसके बाद में अब हमें जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उसमें काफी उन बसों में गिरावट आई है। अभी जो 30-35 गाड़ियां चल रही थी अब इस समय घट करके मात्र 5-7 गाड़ियों पर आ गई, नहीं लगभग ऐसा करीब 15 एक दिन 15 जैसे 15 ड्राइवर 15 कंडक्टर, और किसी दिन जितनी गाड़ियां आ जाती हैं जैसे मान लीजिए 8 आई तो वो 8 ड्राइवर और 8 कंडक्टर अधिरोपित किया जाता है टोकन केवल चार्जेस। लोड फैक्टर वाली नहीं, 80% नहीं है वो जो ईटीएम में जो फॉर्मूला कैलकुलेटेड है वो पूरे प्रदेश का ग्लोबल है, उसमें ऐसा नहीं है यहाँ पे अलग से कोई हो रहा, ये इनको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं, उसमें टैक्सेस को निकाल करके नेट इनकम जो होती है शुद्ध आय उस पर लोड फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर वो कुछ टैक्स की आय उसमें जोड़ दी जाती थी पहले, अब वो उसमें जुड़ती नहीं है मशीन में, वो एक्चुअल आ रही है, इसलिए जो जिनकी बसों के लोड फैक्टर 50 से नीचे आ जाते हैं उनके केवल सुधार करने के लिए ये टोकन कटौती हल्की सी की गई थी, बाकी और कुछ नहीं। नाम है मेरा विनीत कुमार, मैं यहाँ परिचालक हूँ, परिचालक की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। यहाँ कर्मचारियों की समस्या ये है कि यहाँ कर्मचारियों का इतना उत्पीड़न किया जा रहा है इसकी कोई सीमा नहीं है, लोड फैक्टर के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है, 1,000 रुपए काट रहे हैं, डीजल पे कटौती, चालक की डीजल पे कटौती, कर्मचारियों की लोड फैक्टर पे कटौती 49% पे 500 रुपए कटौती कर रहे हैं, 1,000 रुपए कटौती कर रहे हैं। सही तरीके से कर्मचारियों को गाड़ियां खराब हो रही है रोड पर गाड़ियां खराब हो रही है, उसकी भी चालक परचालक की कटौती की जा रही है। थैंक यू। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्रज किशोर शर्मा की रिपोर्ट।